एमडी जो बिजली डिपार्टमेंट के यहाँ पनामा चौक में हैं, कुंडल साहब से मिलने आए हैं। मैंने उनसे रात को टाइम लिया था कि बहुत परेशान हैं जम्मू के लोग आज की डेट में बिजली के कारण। जब पूरे जम्मू शहर में 100% मीटरिंग हो गई है, स्मार्ट मीटरिंग हो गई है, केबलिंग हो गई है, और ट्रांसफार्मर पहले यहाँ एक था, वहाँ चार लग चुके हैं, और सीमिंग स्टेशन यहाँ पर पहले पांच थे शहर में, आज 75 हो गए हैं और भी अभी होने वाले हैं। किसी चीज़ की कमी ना होते हुए भी उसके बावजूद भी अनशेड्यूल कट लग रहे हैं, कहीं जंपर उड़ रहा है, कहीं न्यूट्रल उड़ रही है, और कहीं बिजली फ्लक्चुएशन हो रही है, कहीं जगदम 400 होती है, 300 जाती है। रात को दो दो बजे, डेढ़ डेढ़ बजे, तीन तीन बजे हम लोग जो हैं, हमारे खासकर सीनियर सिटीजन, जो छोटे बच्चे हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, विशेषकर जो हमारे ऑक्सीजन पे लोग हैं, घर घर में ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जो ऑक्सीजन पे हैं, जब बिजली बंद होती है तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट है जो ऑक्सीजन उनको देता है वो बंद हो जाता है, फिर वो सिलेंडर पे चले जाते हैं, फिर सिलेंडर से वहां जाते हैं। इस तरह की कुछ कैजुअलिटी भी हुई है शहर के अंदर। तो हमारा यही कहना है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आदरणीय प्रधानमंत्री की तरफ से पूरा हर चीज की सप्लाई है, पैसा आ रहा है, चीजें आ रही हैं, और शहर में हम तो ये कहते हैं कि अब बिजली की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। बिजली जब हमारे प्रशासन एलजी साहब जो हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने कहा है कि अर्बन एरिया में शहर के अंदर हम 24 ओवर बिजली दे रहे हैं, बिजली देंगे और दे रहे हैं। तीन तीन घंटे, चार चार घंटे का कट लगता है, और सारी रात हम लोग, हमारे जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो घूमते रहते हैं सड़कों में, कब बिजली आए, कब जंपर टूटे। और मैं विशेषकर जो हमारे बाकी स्टाफ के अलावा जो लाइन मैन है हमारे, चाहे वो बेचारे डेली वेजर हैं, चाहे उनमें से एक आध पक्का है, एक दो आदमी रात को दो बजे, तीन बजे, चार बजे जब उनको होते हैं, वो आते हैं, वो बेचारे कहीं से जंपर लाते हैं, कहीं से कुछ करते हैं, जुगाड़ करके। ये आज भी अगर हम जुगाड़ से चलना है तो फिर वो क्या फायदा इतना करोड़ों अरबों रुपये लगाने का। तो मैं यही कहूंगा एमडी साहब से भी और इनके पूरे स्टाफ से जो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, चाहे वो एक्सिन है, चाहे एडब्ल्यू है, चाहे जेईज है, भले ही उनमें शॉर्टेज भी होगी, उनको फील्ड में आना चाहिए। फील्ड में आके देखें जहां से न्यूट्रल टूटी है, उस न्यूट्रल को नई न्यूट्रल डालें, उसको जॉइंटी करते हैं, फिर वो रात को उड़ती है, रात को जब लोड बढ़ता है, रात को उड़ती है, रात को दो बजे पोल पे चढ़ना पड़ता है, कहीं सीढ़ी नहीं मिलती है, कहीं कुछ नहीं मिलती है। हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं से सीढ़ी उठा के ला रहे हैं, वो लाइन मैन को हेल्प कर रहे हैं, कहीं से वो कर रहे हैं, रात को भी टॉर्च लेके आना पड़ता है। किस किस्म की ये प्रॉब्लम है, ये जो काम रात को करते हैं, इनको पता है कि बार बार न्यूट्रल यहां से टूट रही है, उसको क्यों जॉइंट डालते हैं, नई न्यूट्रल क्यों नहीं डालते। और इनको जब केबलिंग हो गई है, सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी बिजली की हालत नहीं होनी चाहिए। आज हम एमडी साहब से मिलकर ये सारी बात बताएंगे, और आशा है कि आने वाले समय में ये जो जिस तरह बिजली आज से दो तीन महीने पहले, गर्मियों से पहले थी, और बहुत सी जब बिजली की शॉर्टेज है, और भी नई बिजली इन्होंने परचेज की है हमारे एलजी साहब ने, उसके बावजूद भी ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसमें कमी है, जो नीचे हमारा स्टाफ है उनकी कोऑर्डिनेशन की कमी है। उनको फील्ड में आए, अलाइनमेंट को पूछे, अपने फोरमैन है इनके, उनको जेईस को पूछे कहाँ कहाँ कमी है, वो रात को लोगों को परेशानी नहीं आनी चाहिए, इसलिए आज हम एमडी साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मकसद है जो भाजपा परिवार है वो लोगों, जम्मू के लोगों को राहत देना चाहती है। जो कमी है वो इन प्रशासनिक लोगों में है, जो चाहे एमडी हो, चाहे नीचे वाले हो, जो निचला स्टाफ है, जैसे माननीय चंद्रमोहन जी ने बताया कि जो निचले वाला डिपार्टमेंट है भाई, ये मौके पर पहुंचते नहीं है। अगर हम रात को, जो आधी रात को कट लगने हैं, ये किस खाते में है? ये तो आज से 15 साल पहले लगते थे, आज क्यों लग रहे हैं? मैं माननीय एलजी साहब से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये रात के कट है, ये तो 100% बंद होने चाहिए। इसके लिए जो छोटे बच्चे हैं, जो बीमार लोग हैं, वो क्या करेंगे? रात को जागरण का ये इन्होंने काम दिया है? क्या बिजली विभाग हमें कोई जागरण के लिए बुलाया है? हमने इनको दिया फैसिलिटी, दो भैया स्मार्ट सिटी में रहते हैं हम लोग, हमें फैसिलिटी चाहिए। जब लोग पे कर रहे हैं तो ऐसी फैसिलिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसके लिए पहली बार, क्योंकि हम लोग सत्ता में हैं, सत्ता पक्ष में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो हमें जब वो केंद्र से कोई हमें कमी नहीं छोड़ रहे, तो जहां डिपार्टमेंट क्यों नहीं इनका हमें फैसिलिटी दे रहा? सिद्धू साहब पहली बार नहीं, जो शॉर्टेज है वो भी है, प्रेडिशन हो रही है, आपके आने में टाइम सारा सिस्टम हो रहा है, लेकिन दो महीने दिक्कत आती
ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਮਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਓ ਚੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਓ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪੇਂਟ ਬਣੇ Thank you, sir.